मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला ने अपने शौहर के खिलाफ अप्राकृतिक सेक्स करने की शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता का कहना है कि उसका शौहर ब्लू फिल्म देखकर उसके साथ कुकर्म करता है। आरोपित का नाम फैजल खान है। उस पर अपनी बीवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के साथ पड़ोसन को भगाकर ले जाने का भी आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर 27 जनवरी 2023 को फैजल को गिरफ्तार कर लिया। कुछ खबरों की माने तो मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली एक महिला ने अपने शौहर के खिलाफ कुकर्म का आरोप लगाया। महिला का मायका उज्जैन जिले में है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका शौहर फैजल ब्लू फिल्म देखकर उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करता है। इस दौरान वो उल्टी सीधी पोजीशन बनाने का भी दबाव डालता है। पीड़िता का कहना है कि उसने अपने शौहर को बहुत समझाया लेकिन उसकी एक भी बात नहीं मानी गई। शिकायत में महिला ने आगे बताया कि कुकर्म में सहयोग करने से मना करने पर आरोपी तो उसकी बुरी तरह से पिटाई करता है। इसी के साथ पीड़िता ने फैजल पर दहेज मांगकर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि आए दिन की प्रताड़ना से वो अपने मायके चली गई, तब उसका शौहर घर में दूसरी औरत ले आया। ये दूसरी औरत मूल रूप से मध्य प्रदेश के ही धार जिले की बताई जा रही है। इस मामले में फैजल पर कई धाराओं में केस भी चल रहा है। बताया गया है कि इस लड़की की शादी कुछ ही समय बाद होने वाली थी। फैजल की बीवी का आरोप है कि दूसरी महिला भी आए दिन फैजल की प्रताड़ना सह रही है लेकिन गरीब होने के नाते कुछ बोल नहीं पाती। बताया जा रहा है कि फैजल द्वारा धार से लाई गई दूसरी लड़की के पिता बीमार रहते हैं। वहीं पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि फैजल पर पिछले साल जानलेवा हमले का भी केस दर्ज हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने दहेज अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत फैजल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।